कितने ज्यादा एक्साइटेड हो सलमान खान सर के साथ काम करने में? वेल, इट्स अ बिग बिग मोमेंट फॉर मी बिकॉज सलमान सर के साथ फिर से स्टेज शेयर करने का मौका मिलेगा मुझे आफ्टर सो मेनी इयर्स. जब मैं शुरू करता था मैंने शेयर किया था ये मोमेंट उनके साथ. एंड आज मैं आया हूँ अपना गाना प्रमोट करने यहाँ पे वल्ला वल्ला, क्योंकि आप सब वल्ला वल्ला को इतना प्यार दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आई थिंक सलमान सर को भी ये गाना अच्छा लगा, इसलिए हम ये गाना बिग बॉस में भी आए हैं प्रमोट करने. सो आई एम सुपर डुपर हैप्पी एंड एक्साइटेड. ओके, सो टॉकिंग अबाउट वल्ला वल्ला, योर को-स्टार जन्नत इज आल्सो हियर, सो उसके साथ काम करने में कितना ज्यादा एक्साइटेड हो? जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि वो मेरी इतनी अच्छी दोस्त है, लाइक वी आर यू नो बेस्ट फ्रेंड्स. एंड बावला बावली वाली हमारी जोड़ी बहुत फेमस है एंड वी आर लाइक दैट ओनली. एंड जब भी उस काम करता हूँ डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा कंफर्ट लेवल रहता है हमारा, सो बहुत मजा आता है. ओके, सो यू आर हियर इन बिग बॉस हाउस, सो यू आर सपोर्टिंग समवन? मतलब ऐसा, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसे मैं बिग बॉस ज़्यादा देखता नहीं, बट डेफिनेटली जितने भी हमारे कंटेस्टेंट हैं सब बहुत अच्छे से खेल रहे हैं. और बिग बॉस वाकई घर के अंदर जो रह लिया, मतलब समझ रहे हो, उनके अंदर बहुत कुछ है, यू नो पोटेंशियल है, पेशेंस है, एंगर है और इमोशंस भी है डेफिनेटली. क्या आपको आने वाले समय में देख सकते हैं बिग बॉस के घर पे कभी भी? देखा जाएगा देखा जाएगा, अभी इस बारे में तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ. ओके, सो दो बैक टू बैक गाने आपके हिट हो चुके हैं, तो उसके बारे में क्या बोलोगे? क्या बोल सकता हूँ, इतना प्यार मेरे फैंस मुझे देते हैं तो मैं उस चीज़ को लेकर हमेशा खुश रहता हूँ. और बस अब नया साल आ रहा है तो नई नई चीज़ें मैं चाहूँगा कि हों और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स और करूँ, ताकि मैं अपने फैंस और जितने मेरे व्यूअर्स हैं उनको मैं हमेशा खुश रखूँ और एंटरटेन करता रहूँ. ओके, सो हाउ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर 2023? हाउ आई एम, आई डोंट नो, सी हमें नहीं पता होता क्या होगा, बट डेफिनेटली जब भी कोई भी प्रोजेक्ट करूँगा खुद से मैं ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आज जो मैं हूँ उससे बेहतर बनने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट ईयर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. स्टंट 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 सिद्धार्थ भाई उनको फोटो दे. नीचे खड़े रहे हमारे मैनेजर है आगे फिल्म सिटी के. थैंक यू. थैंक यू. बाय बाय. बाय बाय. बाय बाय. अरे जन्नत जी रुकिए, जन्नत जी राइट में आ जाओ. अरे अनुज भाई मैं को क्या धक्का दे रहा हूँ, जन्नत जी एज अ टर्न होइए ना. जन्नत जी राइट. जन्नत जी जन्नत जी सेंटर. जन्नत जी पर. जन्नत जी. जन्नत. जन्नत. जन्नत जी सेंटर. सेंटर. हेलो जन्नत. सेंटर. जन्नत जी ऐसा टर्न हो चाहिए ना थोड़ा. अरे ज़्यादा तेरा हो गया ना. बाइट बाइट पारुल जी बुला लिए ना.
रुको रुको बाइट कर देते हैं। सर सेंटर मैम थोड़ा लेट थोड़ा सा सोलो मारो थैंक यू थैंक यू अरे इधर से तू इधर घुस गया। हाँ इधर आ तू बोला बाइट करने का नीचे बैठना एक से एक से भाई तू तो थोड़ा जो आगे चल तू तू इधर काम घुस रहा है तू। अरे भाई क्या तू आकर जाए तू पन आ रहा हसीम बनने जगह धीरे धीरे एक मिनट ए अनिशल तू उधर था ना किधर से भाई तू घुस जाएगा साइड हो जा एक तरफ हो जा साइड हो जा ये देख मत अरे तू अभी ये तो मत कर सदा धीरे धीरे सदा फिर फ्रेम बिगड़े मेरे को मत बोलना अब तू साइड से भी पूछ सकता ना मैं हसीम कैमरा चला के देख रहा रोल 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 ओके हटा ही नहीं रहा उसको रोल रोल कर हसीम मैं रोल कर रहा हूं फटाफट चार सवाल पूछ जाने जनाब गुड टू सी यू सो हाउ एक्साइटेड आर यू गोइंग इन आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड आई एम नर्वस एट द सेम टाइम बट बहुत अच्छा लग रहा है बहुत खुशी हो रही है बिकॉज मोमेंट जो है काफ़ी स्पेशल है न्यू ईयर है और आज 30th है और ऐसा लग रहा है कि इससे अच्छा क्या ही तरीका होता है मेरा ये ईयर एंड करने का और बहुत एक्साइटेड बहुत खुश। ओके सो टॉकिंग अबाउट योर सॉन्ग इज डूइंग रियली ग्रेट सो किस तरह का रिस्पांस आ रहा है बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है कि हम बिग बॉस आ गए हमारे गाने के लिए बल्ला बल्ला के लिए सबने इतना प्यार दिया है और थैंक यू सो मच मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू गाइज थैंक्स फॉर ऑलवेज लविंग एंड ऑलवेज बीइंग सो सो सपोर्टिव। ओके सो टॉकिंग अबाउट योर को स्टार सिद्धार्थ निगम इज ऑल्सो इन सो उसके साथ काम करने में कितना एक्साइटेड लग रहा है उसके साथ काम करना लगता नहीं है बिकॉज वी आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स और इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं और स्पेशली बल्ला बल्ला बिकॉज इट वाज सच अ फन सॉन्ग हम डांस कर रहे हैं और इतना हमारा अलग लुक था हमने रिहर्सल्स किए तो आई थिंक ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा बहुत ही अच्छा और बहुत ही फैमिलियर और फ्रेंडली। ओके सो हाल ही में 83 रिलीज हुई क्या आपने देखी मूवी? नहीं अभी मैंने नहीं देखी है बिकॉज अभी जो कोविड के केसेस आ रहे हैं इतने बढ़ रहे हैं तो अब थिएटर जाने में थोड़ा डर सा लग रहा है तो अभी तो नहीं देखी है बट या मैं देखूंगी जरूर। ओके सो बिग बॉस के कंटेस्टेंट अंदर है तो कौन से कंटेस्टेंट को आप सपोर्ट कर रहे हो? मैं अपना पर्सनल फेवरेट बताऊँ तो मुझे राखी जी बहुत पसंद है बहुत ही अमेजिंग है बहुत एंटरटेनिंग है हमेशा मस्त रहती हैं और वो जो भी करती हैं चाहे वो डांस हो चाहे कुछ भी लोग बहुत अच्छे से करती हैं और मैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ आई पर्सनली आई लव हर। जिनरा आप भी कलर्स का हिस्सा रह चुकी है क्या अगर आपको आगे टाइम मिलेगा तो बुलाएंगे तो जानना चाहेंगे बिग बॉस में? बता मैं ये साल मैं सोच रही थी आने का बिग बॉस ये साल आया था आई वॉज थिंकिंग बट क्योंकि मैं कभी फैमिली से दूर रही नहीं हूँ अकेले रही नहीं हूँ तो मैं थोड़ा सा डर गई इस वजह से मैं नहीं आई बट हाँ जब तक कि अंदर नहीं जाती हूँ आई विश कि मैं ऐसे ही एज अ गेस्ट आऊँ। ओके सो हाउ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर 2022? लुकिंग फॉरवर्ड आई जस्ट विश कि जो भी हो सब कुछ सेफ रहे सब हेल्दी रहे बिकॉज आई थिंक हेल्थ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और अभी जैसा फीलिंग आ रहा है ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा ना हो जाए जिसके वजह से हमने जो फेस किया कुछ महीनों पहले सेकेंड वेव में वो वापस से हमें फेस करना पड़ जाए तो आई जस्ट विश कि सब हेल्दी रहे और वैसी सिचुएशन हमें 22 में ना फेस करें। थैंक यू सो मच थैंक यू गाइस थैंक यू बोलना पड़ता है भाई अरे एक तपन का रह गया तपन भारती जी बस बस भारती जी वहीं पे अभी चले जाइए बस थैंक यू गेट बंद कर दो थैंक यू थैंक यू थैंक यू बस बस।